इतना दिन क्यों सुन पे रखे ते आस भक्ति को संत को सब कथा सुनी रहता है बन गई ठीक है दोनों हो जाए गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णमूर्ताय तद्भक्ताय नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम सर्वरम्भे अस्मति गुरुपाद पद्म परिव्रजकाचार्य परिव्रजक स्वामी कृष्णपाद अष्टोत्तर सत्री श्रीमद्भक्तिवेदांत सिद्धर गोस्वामी गुरु महाराज जी का भी चरणार विंद में असंख्य प्रभु प्रणाम करते हैं उनका हित प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित यहाँ पे सभी वैष्णव वैष्णव गुरु दाता गुरु भगनी सभी के चरणों में वंदन करता हूँ। तो आज एक वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर की आज पावन तिथि है। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी जिन जिनों के ऊपर अपने शक्ति के संचार किया है वे सब अपने अपने हिसाब से प्रभुपाद जी की सेवा किया है। गुड़िया भक्त जगत जैसे हमारे परम गुरुदेव के माध्यम से उन्होंने आचार्य को सुरती सुरती न्याय प्रस्थान प्रस्थान करे की भाष्य को उद्भावन कराया और इस प्रकार से भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज धामों को प्रकट किया। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज से नाम प्रचार किया और अन्य जितने भी भक्त लोग हुए सब अपने अपने जो क्षमता के अनुसार जैसे जैसे प्रभुपाद जी उनके ऊपर शक्ति का संचार किया ठीक इसी प्रकार से उन्होंने जो अपने प्रचार कार्य में वे सब लोग प्रवृत्त हुए। तो ठीक है ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव गुणगान कर ले जीवन ग्रहण सुनिया से साधु गुरुमुख है। तो हम लोग आज इन लोगों के पति पावन वैष्णव है इन लोगों के गुणगान करके हमें क्या मिलेगा। कहते हैं कि हमारी हम जो बद्ध अवस्था में है और जैसे प्रहलाद महाराज जी सप्तम स्कंध में एक बात कहते हैं आप लोग देखे होंगे एक तेल पाइप फूका जिसको मिट्टी में जैसे दीवारों में देखे होंगे अभी तो सब टाइल्स वगैरह हो गया पहले दीवारों में देखे होंगे आप एक मिट्टी में घर बनाने वाला कोई कीड़ा होता है वो मिट्टी का थोड़ा सा वो कर देता है क्या बोलते हैं उसको छेद नहीं करता वो मिट्टी का घर ही बना देता है ना। तो वो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं बच्चों को कह रहे हैं कि जो नहीं युधिष्ठिर महाराज जी को नाराज जी कह रहे हैं कि जो जो कीड़ा है ना घर बना देता है मिट्टी का वो कीड़ा उस घर के अंदर एक छोटा सा उससे अलग एक प्रजाति का कीड़ा को लाकर के उसी घर के अंदर छोड़ देता है और जब वो घर के अंदर वो रहता है ना वो बड़ा डरता है और डरते डरते उसको चिंतन करता है और चिंतन करते करते क्या हो जाता है कि वो ठीक उसी प्रकार स्वरूप को धारण कर लेता है जो पहले जो कीड़ा था ना जो घर बनाया था ठीक उसी प्रकार कीड़ा के रूप में वो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है ठीक उसी प्रकार। कहते हैं कि जो अगर जड़ जगत में एक अलग प्रजाति का कीड़ा दूसरे प्रजाति का कीड़ा को चिंतन करते करते उसका उसी स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है तो जो पराशक्ति है पराशक्ति के साथ संबंधित होने के कारण जो वैष्णव वैष्णव कौन है वैष्णव लोग कौन है ये पराशक्ति की प्रकाश है भगवान की स्वरूप शक्ति की प्रकाश है और ऐसे स्वरूप शक्ति के प्रकाश की जब गुणगान हम अपने वाणी के माध्यम से अर्थात छह प्रकार के संग के माध्यम से करते हैं संग तब क्या होते हैं कि हमारे अंदर वो पराशक्ति स्थापन होता है और ठीक उसी प्रकार से एक बद्ध जीव एक निर्गुण जीवात्मा के रूप में वो परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं वैष्णव की तिथि आविर्भाव तिरुवा तिथि में जिस समय हम एक जगह बैठ करके अनुकीर्तन करते हैं साधु संतों के अनुगत में उनके गुण चरित्र को कीर्तन करते हैं ठीक उसी प्रकार से एक दिन आज नहीं तो कल नहीं तो अगले जन्म में हमारे अंदर वह सारी स्वभाव प्रकृति जागृत होता जाएगा अपराध नष्ट होता जाएगा और धीरे धीरे कृष्ण प्रेम की ओर जीव बढ़ने लग जाता है। इसीलिए हम इन परम पवित्र वैष्णव के चरित्र को गुणगान करने के स्वभाव मिलता है। ज्यादा कुछ तो इनके बारे में पता नहीं है इन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार आचरण को दिखाया है वही आचरण जो व्यक्ति
जिस स्वभाव में प्रतिष्ठित होता है वो व्यक्ति केवल उसी उसी भाव को जगत में प्रकट कर सकता है। यानी कि मेरे को अगर मिठाई में रसगुल्ला पसंद है, मैं तो जब भी कभी मिठाई का नाम सुनूंगा तो मेरे को रसगुल्ला नहीं याद आएगा। या अगर मेरे को कोई कहेगा कि भैया क्या खाओगे, तो मैं कहूंगा मेरे को रसगुल्ला चाहिए। यदि मैं किसी को बोलूंगा कि आपको क्या चाहिए, मिठाई में क्या चाहिए, अगर वो कुछ बोलेगा तो मैं उसको और अपनी ओर से प्रस्ताव दूंगा कि आप रसगुल्ला खाइए, क्योंकि रसगुल्ला का महत्व मेरे को ही पता है। संत गोस्वामी महाराज जिनकी आज तिथि है, वे ऐसे आत्मधर्म में प्रतिष्ठित थे। जब भी वे उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में कीर्तन लिखा है, उन कीर्तनों को उन्होंने अपने भावों को अंतिम समय में उन भावों को उन आचरणों को कीर्तन के रूप में उन्होंने प्रकट किया। उनमें से एक कीर्तन, उस एक कीर्तन में दो तीन उपदेश थे जिसको, क्योंकि मेरे को उनके जीवन में बहुत सारी चीजें पता नहीं है, जीवन आदर्श केवल दो एक पद को मैं आवृत्ति करूंगा। एक पद है, ये बंगला में लिखा हुआ है, छिलाम कोथाए एला मेताए कोथाए जाबो भाविना साधु शास्त्र वाणी कतई जे सुनी तबो पूछा गेलना। महाराज जी कहते हैं ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के अंतिम समय से शिष्य है। सबसे आखिर में महाराज जी का क्या हुआ है, अप्रकट लीला उन्होंने अपने गुरु भाइयों में सबसे लास्ट में उन्होंने किया है, 2000 के बाद ही उन्होंने किया है। इसीलिए महाराज जी जो है बहुत समय तक उन्होंने जगत में हरि भक्ति के प्रचार प्रसार किया है। इसीलिए उन्होंने उन प्रचार प्रसार का जो एक थोड़ा सा सार है इसी कीर्तन के माध्यम में कह रहे हैं कि मैं कहां पे था। देखो ये कीर्तन का सार नहीं है अपितु ये हमारे समस्त जीवन का सार है। एक व्यक्ति जितना पढ़ाई कर ले, एक व्यक्ति जितना भी अनुष्ठान कर ले और जितने भी संसार में जो भी कुछ कर ले, उसको अंतिम समय में या फिर उसके जीवन का एक ही सार रहेगा कि जो भगवान गीता में कहते हैं क्या कि पहले हम कहां पे थे, अव्यक्तादीनि भूतानि भक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानैव तत्र का परिदेव न। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि पहले हम अव्यक्त थे, मध्य में व्यक्त मध्यानि भारत, हे अर्जुन अभी हम थोड़े बहुत समय के लिए व्यक्त मतलब दृश्यमान हो रहा है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, क्या हमें पहले कुछ अभी पता चल रहा है हम पहले क्या थे, नहीं ना। इसलिए भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, भूतानि मतलब पूर्व काल में, अभी हमारे लिए कुछ भी पता नहीं हमें क्या थे क्या नहीं थे, हाँ? और आगे भी हमें पता नहीं क्या होगा, पर हम इस समय जो है, और ये एक नाटक जो रंगमंच चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये है, ये वो है, वो है, तो ये सब क्या है, इसका कारण क्या है। महाराज जी सुंदर मतलब कीर्तन के माध्यम कहते हैं यही बात को, अभी छिलाम को था मतलब मैं कहां पे था, एला में था, अभी यहाँ पे तो आया हूँ, कोथाए जाबो भाविना मैं कहां पे जाऊंगा, मेरे कुछ भी पता नहीं है, मैं तो सोया हुआ हूँ, परंतु साधु शास्त्र वाणी, अब साधु आकर के हमें जगा करके कहते हैं सुनो सुनो हमारे वाणी को, है ना, जीव जागो बोले चंद बोले साधु शास्त्र वाणी कतई नहीं सुनी, बहुत तो सुना, बहुत कुछ समझा, रोज मंदिर में भी आया, सब कुछ किया, तब वो बुझा चला, फिर भी अंतिम समय में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। पढ़े तो बहुत कुछ, सुने तो बहुत कुछ, समझा भी बहुत कुछ, परंतु अंतिम समय में जिस काम के लिए कहते ना जन्म लाभ ममते नारायण स्मृति, वो जो नारायण स्मृति आने की जो अंतिम समय में जो भगवत परिचर्या, जो भागवत परिचर्या, उसमें मेरी गति नहीं हुआ तो मेरा सारा सब कुछ विफल ही चला गया, श्रम ये वही केवल, वो सब कुछ श्रम में चला गया। इसलिए यहाँ पे महाराज एक बात कह रहे हैं कि कब तो उपदेश स्वदेश विदेश दिए ची सुने ची आमी एवे भावी हाय लवे ची विदार संगे की जावे ना जाने। हम लोग क्या करते हैं, उपदेष्टा बनने के लिए हमें अच्छा लगता है, माइक हाथ में आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे 10 बातें लोगों को सुनाने को मिलेगा, तो माइक से हाथ में आ जाता है ना, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, चलो हम तो वक्ता की श्रेणी में है। कोई सुनना चाहता है, जो आप लोग सुनना चाहते हो आप लोगों का बड़ा भाग्य है, क्योंकि आप लोग परीक्षित महाराज की श्रेणी में हो, क्योंकि जो हम लोग जो है, हम लोग केवल प्रभुपाद जी अपने कीर्तन में क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रतिष्ठा सा ही ना कृष्ण गाथा सब, जो व्यक्ति भगवान की कीर्तन कर रहा है यदि उसमें प्रतिष्ठा है तो वो भगवान की कीर्तन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रतिष्ठा का गंध रह गया। इसीलिए जो भागवत लोग हैं, गुरुवर्ग हैं, ये केवल कृष्ण गाथा को गाने में समर्थ है,
हम केवल आवृत्ति करना है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव कहते थे कि केवल इसको पदावृत्ति करो, पदावृत्ति करके अपने जीवन को सफल बनाओ। कि बहुत सुंदर सुर में भजन करना, बहुत बाबा गोसाई महाराज जी कहते हैं बहुत सुंदर सुर में तो हमने गला फाड़ फाड़ के भजन किया, गला भी फट गया। बहुत तानसर बजाए, मृदंग बजाए, बहुत झांझर तानसर सब पीट दिया, वो भी कितने तोड़ दिया हमें पता नहीं है, परंतु इतना तो कीर्तन करके सबको तोड़ फोड़ कर दिया हमने, परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे हृदय के अनंत की गांठ नहीं फट पाया तो क्या लाभ है। ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं उपदेश तो मैंने बहुत दिया और बहुत सुना भी, मतलब उपदेश स्वदेश विदेश में केवल यहाँ पे नहीं विदेश भ्रमण करते करते बहुत दिया। देखो यद्यपि एक नैचानुसंधान है, दृढ़ता है उनकी, क्योंकि अगर वे दिनता नहीं दिखाएंगे ना तो हमें दिनता नहीं, हम देख नहीं पाएंगे। हम दिनता क्यों देख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुवर किस चीज को पालन किया। यदि वो आज नहीं करते तो हम आज कहां करते। यद्यपि हमारी ये दिनता अस्वाभाविक है परंतु फिर भी, और उनकी दिनता स्वाभाविक है स्वतः है, परंतु फिर भी हम लोग कभी इस दिनता को पालन करते करते एक बूंद आंसू निकालते हुए इन कीर्तनों को श्रवण करेंगे और तब जाके भगवान कृपा कर देंगे, क्या पता कर देंगे। इसीलिए क्या इन सारे कीर्तनों को इन लोगों ने हमारे लिए देख करके गया। इसीलिए बहुत सुंदर सुर में नहीं करने के लिए हमारे परम गुरुदेव कहते थे करो, यदि तुम्हारे मन में भाव केवल कृष्ण के प्रति है, लो हारमोनियम, लो झांझर का सर, परंतु उस सारे वाद्य तंत्र सारे आवृत्ति कृष्ण के लिए, दूसरों के सुनाने के लिए नहीं है। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर मैं बहुत कुछ कहा और सुना, उंगली डाल करके महाराज जी हमें ही बताना चाहते हैं। जीवन भर हम तो उपदेश देते रहे हैं और देते ही रहे हैं, परंतु क्या कब हम उसकी एक बार भी आचरण करने में समर्थ हुए। जो व्यक्ति आज कहता कि तुम 1,00,000 हरिनाम करो, कभी जीवन में वो 1,00,000 हरिनाम करता, अरे 1,00,000 क्या, 10,00,000 भी अगर एक दिन में हरिनाम करेगा तब भी उस 10,00,000 हरिनाम का एक फल होना चाहिए क्या, कि उस एक कि मैं तो आज तक मैं कभी भी हरिनाम कर ही नहीं पाया, पर हम जब हरिनाम करते ना 8 माला कहते आज तो हमारा जीवन सफल हो गया, हमने आज 8 माला कर दिया, बड़ा बाहबा होता है। परंतु ऐसा दूसरों के लिए नहीं है। जब बलदेव प्रभु अनंत मुखों से भगवान की कार करते ना, पता है क्या करते, वो अपने जो बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली बोलते रहे भगवान के नाम को, मुंह में दर्द हो जाता है और वहां से जब लार प्रकट होता है ना, उसको निगलते भी नहीं है, अंदर सटकते भी नहीं है, क्योंकि जानते हैं इसको सटकने में मेरे भगवान के नाम बंद हो जाएगा, इतना समय में मैं भगवान के नाम की भी रहस्य नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए देखो ये महाभागवत पुरुषों ने अपने जीवन में तो पूरा आचरण किया, पूरा हरिनाम कीर्तन किया, परंतु कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि हमने आज इतना कर दिया। यही इसी को कहते हैं आचरण, और आचरण युक्त जो प्रचार है वास्तव में वो प्रचार है। इन लोगों ने प्रचार किया, हमारे जो प्रचार है, हमारे परमेश्वर प्रभु एक बात कहते हैं, सबसे पहले आचरण, यदि आचरण नहीं हुआ, यदि मैं इस बात को नहीं क्यों ये सब सुना है, अब मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद मंगलारती नहीं हो पाता हूँ, मैं तो खुद हरिनाम नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये सुनाया हुआ बात है। परमेश्वर प्रभु कहते हैं पहले आचरण, एक भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ है, जब उन्होंने शुरुआत किया था तो उसमें एक बात उन्होंने कहा था कि नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सा। तो यहाँ पे पहले नामे रुचि क्यों कहा गया, पहले जीवों को दया कर दो बाद में आकर 1,00,000 हरिनाम कर लेना, नहीं पहले हमें 1,00,000 हरिनाम करना पड़ेगा, बाद में जीवों को दया हम कर सकते हैं। क्योंकि दया देने के लिए क्या होना चाहिए, हृदय में चित्त में द्रवता होनी चाहिए, चित्त पिघलना चाहिए, और हमारे चित्त पिघलता है क्या, हमारे चित्त अगर पिघलता है तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बैराग्य की गाथा जब हम सुनते हैं ना, तो पटक पटक के हमारा सर फोड़ जाना चाहिए, फोड़ दे, कितने हरिदास ठाकुर के ऊपर कितने अत्याचार हुआ, जब हुआ तो उस समय देखो, उस समय हमारा जी खोलता है, हम जाकर मुसलमान को लड़ जाते हैं। जब कुलशेखर को पता चला समुद्र के किनारे वो कथा सुन रहे थे राम जी के, और सुना कि रावण ने आया माता सीता को उठाकर के समुद्र के अंदर ले गया, पता है क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो देख रहे हैं कि सीता को उठा के ले रहे हैं, और एकदम से अपना तलवार निकाले घोड़े पे बैठकर समुद्र के अंदर चले गए। इसको कहते हैं भाव से कथा को श्रवण करना, कथा को दर्शन करते हुए श्रवण करना, हमारे अंदर ये नहीं है। कारण क्या है, कारण हमारे नामे रुचि हुआ नहीं है, तो फिर चित्त कैसे द्रवत, चित्त में द्रवता कैसे आएगी, चित्त पिघलेगा कैसे, जब तक चित्त में पिघलना नहीं होगा तब तक हम जीवों के ऊपर दया नहीं कर सकते। अब देखना, जैसे अगर मान लो इसमें क्या होता है ना, इसमें इसमें मास्टर्य दोष आ जाता है,
यदि हमारे अंदर नाम की बल नहीं है, अगर हमारे हमारे प्रचार का फील्ड है, अगर वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और प्रचार करने लग गया ना, तो हमारा मन में ये होगा, अरे वो क्यों आ गया, मेरे फील्ड में क्यों प्रचार करने लग गया। पर अगर वो नाम किया होगा, वास्तव में थोड़ी सी भी नाम प्रभु की कृपा उसके ऊपर हुई होगी, तो वो तुरंत क्या बोलेगा, बोलेगा अच्छा है, मेरे गुरु भाई है, आए हैं, मेरी सहायता होगी, हमारे गुरुदेव की प्रचार होगा। इसको कहते हैं, इसमें मास्टर बुद्धि नहीं होगा। यही बात को एक पद महाराज ने अपने जीवन में तो बहुत दिखाया, एक 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 कार्य को उन्होंने इतना किया। अभी उस दिन गुरुदेव कह रहे थे ना, हमारे मठ में बहुत सी ऐसी चीज है जो इधर भीतर होकर के फैला पड़ा है, इस बात की हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा है मेरे को ही। परंतु महाराज जी के जीवन में एक बार मैंने सुना था, भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज इस बात को कह रहे थे कि एक समय गुरु जी 100 से ज्यादा ऊपर उनका बुखार है और नीचे वो सो रहे हैं, नीचे सारे मंजिलों में सेवक लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बीच के मंदिर में महाराज जी सो रहे हैं, ऊपर आंधी तूफान चल रहा है, तो जो ऊपर का जो दरवाजा है तो वो ना कुंडी खुला हुआ था, और जैसे आंधी तूफान चले आर पार हो, मेडिटेशन आर पार होता है, तो एकदम फटक फटक करके लग रहा था, बार बार दो तीन बार लगा। महाराज जी सब अस्वस्थ लीला कर रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चार चार महीना तक बेड में पड़े हुए थे पूरी में। परंतु उन्होंने उस समय उठ के रेलिंग पकड़ पकड़ के ऐसे जैसे बच्चे घुटनों के बल चलते हुए जाकर के ऊपर जाकर के और उसको बंद करके आए, और इतने गुस्से हुए अपने उनके जो जितने शिष्य लोग थे उनके ऊपर हुए, और उन्होंने पता है क्या बोला, जब एक व्यक्ति भजन करके अंतिम समय में भजन की उसकी स्फूर्ति होती है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि इतना सभी, क्योंकि भगवान में प्रीति कैसे होती है, भगवान में प्रीति तब होता है जब भगवत तदीय वस्तु में प्रीति होती है। भगवान में तो प्रीति है भगवान की जो वस्तु है, यानी कि जो भक्त है, या तो उनकी मंदिर या मंदिर की कोई भी वस्तु है, उसके प्रति कोई प्रीति नहीं है, तो फिर समझ लेना भगवान के प्रति वो सब ढोंगे हमारा, ये सब हम लोगों के अंदर है। आप लोग भी समझना, इन समीकरणों को लेकर के अपने जीवन में देखना, हम लोग भी आज समझने के विषय है कि इस प्रकार उन्होंने जीवन में आचरण दिखाया, तो इस प्रकार उनका जीवन में आचरण है, बहुत बहुत शिक्षाएं हैं। तो यही कहकर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ, महाराज की चरण में प्रणाम करता हूँ। गौर प्रमानंदे हरे बोल श्री भक्ति तुम संतोष महाराज की। हरे कृष्ण बहुत सुंदर बोल। हाँ आ गया बोलो बोलो श्याम। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। अवधान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नगौरकृशे वाञ्छाकल्पद्रवस्य कृपासिन्धुभ्येव च कृतिकरणं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरकृष्णप्रियाय च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्तवृंद बल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदनी श्रीमद भक्ति वेदांत स्मृतिधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग मित्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदनी श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मित्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदनी श्रीमद भक्ति श्री श्रीमती कांति गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात आज जिनका शुभ तिरोभाव तिथि है, शुभ तिरोह तिथि है, नेत्रीला प्रदिष्ट ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर भक्ति कुमद संत गोस्वामी महाराज के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वंश करता हूँ। सोपार सत प्रभुपाद सपरिवर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिवर जुगल किशोर राधा गोविंद जगन्नाथ बलदेश्वर दर्शन के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित सत्य गुरु भ्राता वृंद वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद भक्त वृंद समझ
अपने जन्म के खाने को सुंदर करा। तो आज एक विशेष तिथि है, नाम तो फिर से आप लोगों को इंट्रोडक्शन हो गया होगा कि आज जिनका तिथि है उनका नाम है इंद्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाल अष्टोदशतिथिला संत गोस्वामी महाराज। तो अभी जिस प्रकार हमारे श्रीपा जनार्दन को बता रहे थे कि महाप्रभु ने अपने जितने भी शक्ति को और जितने भी सिद्धांत जितने भी विचार को एक एक तत्व को एक एक आचार्य के द्वारा स्थापन करवाया, रस तत्व को रूप गोस्वामी के द्वारा, नाम तत्व को हिदार ठाकुर के द्वारा, सिद्धांत तत्व को जीव गोस्वामी के द्वारा, इस प्रकार से। उसी प्रकार से प्रभुपाल जी ने भी अपने अपने शिष्य में एक एक प्रकार का विशेष विशेष शक्ति संचारित करके एक एक सिद्धांत को स्थापन करवाया। किस प्रकार प्रभु जी बोल रहे थे कि हमारे परम गुरुदेव को जो प्रस्थान करेंगे जो सिद्धांत में, और हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी उनको बोला जाते हैं कि विग्रह तत्वों के मूल स्वरूप है, विग्रह तत्वों को इन्होंने प्रकाशित किया। यद्यपि पूर्व पूर्व आचार्य बड़े सुंदर विग्रह तत्वों का ऊपर बड़े अद्भुत अद्भुत प्रबंध लिख चुके थे, फिर भी जो हमारे परम गुरुदेव ने विनोद बिहारी तत्व अष्टम जो लिखा वो अद्भुत है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर इसी प्रकार किसने प्रेम तत्व को, किसने रस तत्व को, पूज्य पाद भक्ति जनार्दन गोस्वामी महाराज को बोला जाता है कि प्रेम तत्व को इन्होंने स्थापन किया। तो इसी प्रकार आज इनका शुभ तिरुभाव तिथि श्रीमद भक्ति संत गोस्वामी महाराज जी उन्होंने बोलते हैं कि ये सिद्धांत तत्व का मूर्तिमान स्वरूप है, और इन्होंने संबंध तत्व को बताया। जिस प्रकार हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में तीन आचार्य है, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, तीनों के बारे में अगर देखा जाए तो एक संबंध ज्ञान प्रदाता, एक अभिधेय ज्ञान प्रदाता, एक प्रयोजन ज्ञान प्रदाता। संबंध ज्ञान देख जैसे संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये जो तीन वर्ड है सारे के सारे शास्त्र में ये तीन चीज ही मिलेगा। संबंध, हमारा संबंध किससे है, क्या संबंध है हमारे ठाकुर जी से। दूसरा अभिधेय, हम भक्ति करने का जो संबंध बन चुका है और वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो प्रोसेस क्या है अभिधेय, और प्रयोजन क्या है, हमारा जो मूल लक्ष्य क्या है। तो हमारे जो संबंध देते थे वो कौन है, न श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज। उसी प्रकार ही पूज्यपाद भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी को संबंध के आचार्य, सिद्धांत के आचार्य बताया जाता है। एक समय पे इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, नृत्य का परिचय, सेवक का वास्तविक परिचय, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेवक, मतलब ये पूरा हिंदी इंग्लिश उड़िया बंगाली में ये सब निकला। तो उन्होंने पहले जब लिखा तो उसका हेडिंग दिए कि कृष्ण स्वरूप है, किस प्रकार का कृष्ण का जो स्वरूप होता है, जीव का जो स्वरूप होता है वो नित्य कृष्ण का दास। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया कि जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण का दास है, जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण का दास, ये तो हम लोग सब सुने ही है। तो उन्होंने लिख दिया कि जीव स्वरूप है नित्य गुरुर दास, उन्होंने लिखा जीव स्वरूप है नित्य गुरुर दास। तो कुछ लोग विरोधी करने लगे और प्रभुपाद को लेके दिखाया कि देखो आपके जो ब्रह्मचारी राधा रमन ब्रह्मचारी है इसने एक नृत्य का परिचय एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी से ये क्या बड़े हो गया क्या, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास और ये लिखे हैं जीवे स्वरूप है नित्य गुरुर दास। तब प्रभुपाद जानते हैं वास्तव में सब चीज जान के ही उनको बुलाया सभा में और खड़े किया, बोले बताओ ये तुमने किस चीज के लिए, किस चीज के लिए तुमने लिखा कि जीवे स्वरूप है नित्य गुरुर दास। तो उन्होंने बताते हैं किस प्रकार जीव का स्वरूप नित्य गुरुर दास है। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे जो संबंध है, जैसे आप ही जीव का स्वरूप नित्य गुरुदास है और जीव अनादिकाल से बहिर्मुख है, अगर गुरुदेव नहीं होते तो हम कृष्ण को जान पाते, यहाँ बैठते, कथा सुनते, ठाकुर जी के सामने आरती पे झूमते, नाचते, प्रसाद चढ़ाते, कुछ भी मिलता है राधा गोविंद जी का कृपा से वो सब मिलता गया, राधा गोविंद जी का दर्शन होता गया, जगन्नाथ जी का दर्शन होता गया, जगन्नाथ जी तो पुरी में है, यहाँ और खंड मंडल में ये आस पास कहीं भी नहीं होते, तो गुरुदेव नहीं होते तो ये भी नहीं होता। तो वास्तव में जो जीव का स्वरूप है किस प्रकार का उनका सिद्धांत, देखो एक ये समझने वाली बात है कि बोल रहे हैं कि हमारे नित्य संबंध गुरुदास है, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं गुरुदेव के
अनुगत्य में आते हैं, गुरुदेव की कथा सुनते हैं, गुरुदेव के चरणाश्रित होते हैं, तब जब गुरुदेव गुरुदास हम पूर्ण रूप में नहीं हो पाते। अगर मान लो किसी ने गुरुदेव से हरिनाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, तो पहले दिन ही गुरुदेव बोल देते हैं क्या, मुझे ऐसा सेवा करना है, मुझे ऐसा सेवा नहीं करना है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये सब नहीं बोलते। तो सेवा किसको बोला जाता है कि सेव्य वस्तु का मनोविष्ट को जान के जिस प्रकार का सेवा किया जाता है वो सेवा बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पसंद है वैष्णव लोगों को और तुम जबरदस्ती दे रहे हो, वो सेवा के अंतर्भुक्त नहीं। उनको क्या चाहिए उसी अनुरूप सेवा करना ही वास्तविक सेवा बोला जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि अब हम गुरुदेव के जब शरणागत हो जाते हैं तो आंशिक रूप में, थोड़ा सा रूप में हम गुरुदास बन जाते हैं। फिर अगर हम उससे उठते हैं, गुरुदेव बोल देते हैं कि तुम अभी वैष्णव का सेवा करो, जब हम वैष्णव सेवा करने लगते हैं तब वैष्णव दास बनते हैं, वैष्णव के दास बनते हैं। अब वैष्णव सेवा करते हुए करते 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 पूरा रूप में जब वैष्णव से दास में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब जाके गुरु सेवा में अधिकार प्राप्त होते हैं। गुरुदेव के संग रहोगे तब जाके तो पता चलेगा गुरुदेव को क्या पसंद है, किस प्रकार का सेवा ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण नहीं करते, ये कैसे पता चलेगा। वैष्णव के संग में रहोगे तब जाके पता चलेगा। तो वैष्णव दास बनोगे, स्वीकार करोगे, तब जाके गुरुदास बनोगे। अब पहले तो गुरुदास आंशिक रूप में हुआ, फिर पूर्ण रूप में वैष्णव दास हुआ, फिर वैष्णव के संग होते हुए फिर से गुरुदेव का वास्तव में गुरुदास हुआ। अब जब पूर्ण रूप में आप गुरुदेव की सेवा करने लगे हैं और मान लो कि हम स्वरूप लक्षण में पहुंच चुके हैं, तब क्या होगा, देखो जो जिस रस से भजन करता है उसको उसी रस का प्राप्त होगा। मान लो कोई वात्सल्य रस से भजन करता है तो क्या जाके कृष्ण को डायरेक्ट मक्खन मिश्री खिलाएगा जो समुद्र माया के भांति, बोले नहीं, उनके जो दास के दास के दास के दास के दास रहेंगे। जो साक्ष्य रस में भजन करता है वो क्या डायरेक्ट कृष्ण को जाके पटक देंगे, ऐसे सिद्धांत जिसे पटक देते हैं, बोले ऐसे नहीं पटकेंगे, और उन सीधा मधुमंगल सखा के दास के दास के दास बनेंगे। और जो माधुर्य रस में सेवा करते हैं वो क्या करेंगे, उसी भाव में जो सेवा करते हैं वो गुरुदेव जिस मंजरी है उनके दासी के दासी के दासी के दासी इसी भाव में सेवा करते हैं। तो इस जगत से लेके नित्य धाम तक अगर देखोगे जीव कृष्णदास बन नहीं पाया पूर्ण रूप में, जीव वास्तव में क्या है, गुरुदास ही है। तो इसी आर्टिकल के ऊपर एक महाराज जी वहां पे लिखे हैं, मुझे आदिकत तिरुवासी थे, वो लिखे हैं कि कृष्ण का पूर्ण रूप में जो कृपा शक्ति है वो गुरुदेव है। समझना, कृष्ण का जो कृपा शक्ति है वो गुरुदेव है। कृपा शक्ति के अगर दृष्टि से हम देखेंगे कृष्ण और गुरुदेव में कोई डिफरेंस नहीं है। यद्यपि कृष्ण का अनंत शक्ति है फिर भी जो कृष्ण का जो कृपा शक्ति है, अगर ठाकुर की कृपा नहीं करेंगे तो क्या करोगे। उस दिन हम कथा श्रवण कर रहे थे ना दामोदर लीला में, किस प्रकार दो अंगुल कम हो जाते हैं, क्या क्या, एक तो साधन की चेष्टा और दूसरा कृपा, ठाकुर जी का कृपा। तो कृष्ण का जो कृपा शक्ति है वो बाकी शक्ति से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो उनको वहां पे सभा में पूछने लगे क्या आपके गुरुदेव सर्वशक्तिमान है क्या, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कृष्ण और गुरुदेव को एक कर लिया आपने, आपके गुरुदेव सर्वशक्तिमान होना चाहिए, कृष्ण जिस प्रकार का सर्वशक्तिमान, आपके गुरुदेव क्या उसी प्रकार का सर्वशक्तिमान है क्या। तो कुछ बात भक्ति संत गोस्वामी महाराज ने बोलते हैं कि मेरे गुरुदेव सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान भगवान को प्रदान करने वाले, जो सर्वशक्तिमान भगवान है उनको ये देने वाले हैं, तो ये सर्वशक्तिमान है, उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ शक्तिमान है। तो किस प्रकार का उनका सिद्धांत था, हमारे भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी को भी बोलते हैं कि सिद्धांत तत्व को इन्होंने जगत में स्थापन किया। इनका जब अंतिम समय आया जब कुछ नहीं बोल पाते थे, समाधि में लीन रहते थे, तब एक समय पे इनको कोई आके पूछता है कि जानने के लिए चाहते कि महाराज जी पहचान पा रहे हैं कि नहीं, तो उनको पूछता है कि महाराज जी आमी के, मैं कौन हूँ महाराज बताओ, जैसे होता है ना तो वृद्धावस्था में बोलते हैं, बोले आमी के, तुम्ही कृष्ण दास, तुम्ही कृष्ण दास, बोले अपना के, बोले आप कौन हो, तो आमी हो गुरुदास। एक बार में बोलते हैं मैं तो गुरुदास हूँ। तो किस प्रकार के संबंध तत्व को ये दो आचार्य ने हमारे गौड़ीय वैष्णव में स्थापित किया। अब देखो इन्होंने मायावाद का कैसे खंडन किया। एक जगह पे कोलकाता पे किसी मठ में विशेष रूप में एक धर्म सभा का आयोजन हुआ था, तब उसमें बहुत सारे वैष्णव लोग प्रभुपाद के पूज्यपाद भक्ति गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज, ये सारे के सारे वहां पे उपस्थित थे। और सबसे बड़ी बात तो हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी भी उसी सभा में उपस्थित थे।
तो वहां पे एक वृद्ध ब्राह्मण व्यक्ति था जो उसी महाविद्यालय का अध्यापक था, रिटायरमेंट भार प्राप्त, मतलब भार से वो हट चुका था, रिटायरमेंट एक अध्यापक था। तो उसने सब तत्वों को, सब वैष्णव लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण दास ये वो सब सिद्धांत को स्थापन कर रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसका फेस का एक्सप्रेशन ही ऐसा था। तो उसको जब माइक दिया गया, क्योंकि भक्तिपूर्ण संत गोस्वामी महाराज हर जगह पे ये सभापति का भार ग्रहण करते थे, तो उनको जब माइक दे दिया गया तो झट करके बोलते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार ब्रह्मवाद को वहां पे स्थापन कर दिया। सब लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं, अरे भक्तिपूर्ण संत गोस्वामी महाराज जी के सामने अहम ब्रह्मस्मि कोई बोल दिया, महाराज जी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, शासन में इतना कठोर थे कि ब्रह्मचारी अगर पूर्णमी में मुंडन भी नहीं हुआ तो उसको तुरंत पिटाई कर देते थे, क्यों मुंडन नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं किया, टाइम से अगर पुजारी मंदिर नहीं खोलता तो उसको पिटाई कर देते थे। तो इस प्रकार शासन है। और प्रभुपाद के विचार में वो बोलते हैं कि जिस प्रकार हमारे परम गुरु थे, प्रभुपाद के विचार में कुछ भी मिलावटी नहीं देख सकते, उसी प्रकार इन्होंने प्रभुपाद के विचार में अगर खंडन करने में पूरा एकदम स्ट्रांग थे उस समय के बाद। तो इन्होंने जब वहां पे सब लोग बोल रहे हैं कि भक्तिपूर्ण संत गोस्वामी महाराज जी ये ब्रह्मचारी को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अरे ये तो बोल दिया कि ये ब्राह्मण को बोल नहीं रहे हैं, ये बोल दिया अहम ब्रह्म से ब्रह्म तत्व को यहाँ स्थापन कर दे। तब सब लोग ने वहां पे वक्रोदर दिया। फिर अंतिम में जब पूज्यपाद महाराज जी को बारी आया, महाराज जी ने हाथ में माइक लेते हुए बोलते हैं, डायरेक्ट सीधा जाकर पूछते हैं, तुम ब्रह्म हो? हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अच्छा तुम ब्रह्म हो? इतना सुनते ही महाराज जी के दंडा, जो त्रिदंड सन्यासी थे, जो दंड रहते हैं ना, दंड धारण करते हैं, दंड को कस करके पकड़ के पिटाई करने में जरूर पिटाई की पूरा जोर से, जैसे जोर से पिटाई किए वो भयभीत होके इधर उधर से मंच से पूरा भाग गए। भाग गए जब सब लोग देख रहे हैं चकित हो गए, क्या हो रहा है, क्या नहीं, महाराज जी पिटाई कर रहे हैं, सब दौड़ते हुए भाग गए। जब वो भाग रहा था तो महाराज जी बोलते हैं, इधर आओ सुनो, जो ब्रह्म होता है वो निर्विकार होता है, ब्रह्म में कुछ भी विकार नहीं रहता है, तुम में तो काम क्रोध लोभ मोह और भय भी है, तुम ब्रह्म कोई भय करता है क्या, ब्रह्म मार्ग को भी सहन कर सकता है, ब्रह्म तो अखंड है, तुम मार्ग को क्यों सहन नहीं कर सकते, इसका मतलब तुमने खुद प्रमाणित कर दिया कि तुम ब्रह्म नहीं हो। तो इसी प्रकार का जो विचार उन्होंने, किस प्रकार का उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया, मायावाद को उन्होंने किसी प्रकार का विशेष रूप में खंडन किया। देखो आज उनका सूर्य तिरोभाव तिथि, यद्यपि उनके जीवन चरित्र में अगर हम दर्शन करेंगे तो पूरा का पूरा उनके जीवन चरित्र में अगर 7 दिन तक भी यहाँ सामने कथा सुनेंगे ना तब भी खत्म नहीं हुआ, ऐसे वो अपराकृत महापुरुष है। तो आज उनका बस दो ही बात पे ऊपर गौर करेंगे, एक तो वो दूरदर्शिता थे, किसी भी शिष्य को, किसी ब्रह्मचारी को देखते ही बोल देते थे कि इसका मठवास होगा या इसका मठवास नहीं होगा, इसका मठवास होगा या इसका मठवास नहीं होगा, ये बोल देते थे। तो एक समय की बात है कि पूज्यपाद भक्ति माधव गोस्वामी महाराज हयग्रीव ब्रह्मचारी और इनके नाम था राधा रमन ब्रह्मचारी, बहुत कम समय में ही ये मठ में आ चुके थे, गुरुदेव वास्तव में बोल रहे थे किस प्रकार ये 12 साल की उम्र में मठ में आ गए। तो एक समय की बात है, सिंपली अगर हम इसके साथ श्रवण करेंगे तो इन्होंने कहीं एक मठ पे गए थे, पूज्यपाद भक्ति माधव गोस्वामी महाराज के मठ में गए थे और वहां पे एक ब्रह्मचारी था, तो ब्रह्मचारी किसी से मिलता जुलता नहीं था, हर समय अलग अलग रहा करता था। तो पूज्यपाद भक्तिपूर्ण संत गोस्वामी महाराज जी भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी को बोलते हैं, ये आपके मठ के ब्रह्मचारी? बोले हाँ हमारे मठ के ब्रह्मचारी है। अच्छा तो इसका लक्षण सही नहीं है, इसको आप बोल दो कि ये वैष्णव के साथ मिलजुल कर रहे, मिल के प्रसाद पाए, उनके साथ बातचीत करे, एक साथ में सेवा में हाथ बटाए। तो पूज्यपाद भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज वो भी कम नहीं, वो भी महाभागवत समझ गए उनके भाव को और तुरंत जाके ये भक्तिपूर्ण संत गोस्वामी महाराज जाने के तुरंत पश्चात ही उन्होंने बोल दिया कि देखो कि तुमको क्या करना है, विशेष रूप में वैष्णव के साथ मिलना जुलना है, तुमको वैष्णव के साथ कम से कम थोड़ा हंसी मजाक भी करना है, ऐसा भक्तिपूर्ण संत गोस्वामी महाराज की वाणी है, और तुमको कहीं ना कहीं वैष्णव से एक साथ बैठ के प्रसाद पाना है, उनके साथ सेवा में तुमको हाथ बटाना है। तो वो बोलते हैं महाराज जी आप ये क्या बोल रहे हो, महाप्रभु का वाणी है कि ग्राम में कथा ना सुनी हो, भला मंदिर ना खाए हो, तो महाप्रभु का स्वयं विचार है, यो तो मैं पालन कर रहा हूँ,
कि बाहर का कथा सुनो मत, ये तो महाप्रभु का वाणी है। मैं तो महाप्रभु का वाणी को क्या कर रहा हूँ, मतलब आचरण करते हुए मैं अलग रहता हूँ, आप बोल रहे हो मुझे। तो वहां पे भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज ने उनको बोले, तुम शरीर से मठ में रहते हो, तुम्हारा अभी मठ में मन लगा नहीं, तुम अभी शरीर से मठ में रहते हो। तुम एक काम करो, तुम शरीर से मठ में अगर रहने के लिए चाहते हो थोड़ा सा भी, तो तुमको ये वैष्णव के साथ संबंध रखना पड़ेगा, अकेले में तुम्हारा ये भजन नहीं होगा। तो उसी समय पे फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन के बाद ये ऐसे बोल दिए, वो ऐसे अकेले में भजन करने लगा। तो उनके घर से एक पत्र आया, ब्रह्मचारी से बोले थे, उनके घर से एक पत्र आया। तो वो अपने मठ के एड्रेस नहीं दिए थे, पास के एक गृहस्थ भक्त का एड्रेस दिया था। तो गृहस्थ भक्त ने वो पत्र को देखा कि किसी भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज के ब्रह्मचारी के नाम से मठ में पत्र आया है, तो उनको भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी के हाथ में दे दिया। अब वो पत्र जब खोलते हैं तो वहां पे लिखा है, वो पत्र का प्रत्युत्तर है, शायद वो ब्रह्मचारी किसी अपने घर को कोई लेटर लिखा हो और उस लेटर का रिप्लाई आया है। तो वहां पे लिखा है कि बेटा तुम आ जाओ, और तुमने तो पहले ही बोल रखा था, मैं तो बात पहले ही मना कर रहा था, उनके माँ लिख रहे हैं, मैं तो पहले ही मना कर रहा था, तुम्हें मठवासी भाव भावा चक्कर में मत रहो, तुम्हारे लिए मैंने अच्छे से एक लड़की, सुंदर लड़की को मैंने तैयार कर रखा है, और अच्छे अच्छे नौकरी तैयार कर रखा है दो तीन, तुम झट करके जल्दी करके घर आ जाओ, तुम जैसे ही घर आ जाओगे तुम्हारा शादी करवा दूंगा। अब इतने में महाराज जी जान गए, अरे अरे ये तो पूरा माया का लेटर है, माया का दावा मतलब बुलाना आ गया। तो उनके मठ में एक श्रीनिवास प्रभु थे, उनके हाथ में वो पत्र को दे के बोल दिए कि ले माया का लेटर दे दो भक्ति जो ब्रह्मचारी उनके टेबल पे रख दो। दूसरे दिन वो ब्रह्मचारी बोलने लगा, महाराज जी मैं जाऊंगा घर। तो भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज सब जानते हैं, हाँ जाओ। फिर जाके उन्होंने घर में शादी कर लिया। फिर माया का ऐसा लाभ उनको बाद में दिया, माया ने ऐसा लाभ उनको दिया, माया के चक्कर में ऐसे घूमे 60 साल में फिर से मठ में आ गए। बोलते हैं बहुत विस्तृत प्रसंग है, 60 साल में फिर से मठ में आ गए, और अंतिम में भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी से संन्यास लिया। तो किस प्रकार का दूरदर्शिता थे। और देखो उसके अपर पक्ष में हम देखेंगे तो उनके हर दिन मठ में एक फूल वाला जो छोटा सा बच्चा है फूल देने के लिए आता था, तो हर दिन ये फूल देने आता था, बाहर का फूल का है। तो महाराज जी राधा रानी का जो प्रसादी माला रहता है, ठाकुर जी का जो प्रसादी माला रहता है, मुझे पास भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज उसको पहना देते। तो सब लोग बोलते हैं आप उसको क्यों पहना रहे हो, तो सब बोलने लगे। तो वहां पे बोलते हैं कि ये लड़का भविष्य में क्या होगा, ये लड़का भविष्य में मठवास करेगा, ये लड़का भविष्य में मठवास करेगा ऐसा बोलते। तो देव सब लोग बोलने की ये लड़का मठवास करेगा, ये तो बाहर बाहर घूम के फूल बेचता है, ये कहां मठवास करेगा। तो 10 साल के बाद देखा जाता है वो मठ में आते हैं, और आज के वो आज वो भक्ति गोविंद संत गोस्वामी महाराज जी के आचार्य है, उनके जो मिशन है जिनके संस्था के वो आचार्य है, आज आचार्य महाराज जी वो आज आचार्य है। वो बोलते हैं किस प्रकार मैं फूल लेके दे दिया करता था, और किस प्रकार महाराज जी ने मुझे फूल दिया और बोल दिए थे कि ये मठ में मठवास करेगा। तो किस प्रकार के दूरदर्शिता थे। और एक उदाहरण अगर हम स्मरण करेंगे तो एक समय पे भक्तिगुण संत गोस्वामी महाराज जी के पास एक शिष्य आया। तो शिष्य ने भक्तिगुण संत गोस्वामी महाराज जी से बहुत देर तक कथा श्रवण किया, लेकिन उनसे हरिनाम नहीं लिया। तो बाद में जैसे पता चला कि प्रभुपाद के और एक पार्षद प्रकट लीला में है, पूज्य पाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी प्रकट लीला में है, तो और पता चला कि वो ब्राह्मण है, तो इनको छोड़कर उनके पास चले भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के पास। अब जब भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के पास जाता है, बोलता है कि आप मुझे दीक्षा दे, आप मुझे हरिनाम दे, झट करके आके बोला। तो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने उनको बोला, पहले कभी वैष्णव संघ किए हो, पहले कभी संप्रदाय के बारे में कुछ जानते हो। बोले हाँ जानता हूँ। बोले क्या जानते हो। बोले मैंने इतने साल तक भक्तिपूर्ण संत गोस्वामी महाराज जी से कथा श्रवण किया। अच्छा तुमने भक्तिपूर्ण संत गोस्वामी महाराज जी से कथा श्रवण किया, तो तुमने उनसे क्यों हरिनाम नहीं लिया भाई, मेरे पास क्यों आए हो। तो बोला आप ब्राह्मण हो ना, आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं आपसे ही हरिनाम लूंगा। और वो वैश्य क्या वैश्य जो बिजनेसमैन होते हैं, तो वो कायस्थ, तो वो उस जात के हैं। तो महाराज जी बोलते हैं तुमने आज मुझे भी पवित्र कर दिया और खुद को भी, मुझे भी अपवित्र कर दिया और खुद को भी अपवित्र कर दिया।
तुम्हें जो ये बोला कि वो मैं ब्राह्मण और वो गायत है, वो ये है, वो जात का है, तुमने तो आज मुझे अपवित्र कर ही डाला और खुद को भी अपवित्र कर दिया। ये पूरा मंदिर को तुमने अपवित्र कर दिया। तो महाराज बोलते हैं साफ करो रे, ये अपवित्र हो गया इस जगह को, इसको भगाओ इधर से। तब बोलते हैं कि कृष्ण भजन अरे नाई जाति कुलादि विचार, जय भजे ते वर अवक्त ही नचार। कृष्ण भजन अरे नाई जाति कुलादि विचार, कृष्ण भजन में जाति कुल का विचार नहीं है। तुम अगर तुम्हारे कल्याण चाहते हो तो भक्तिकुंज संत गोस्वामी महाराज के चरण में जाओ। तो उसने जाके भक्तिकुंज संत गोस्वामी महाराज जी को सब कुछ बोल दिया कि महाराज जी ऐसा ऐसा, मैंने भक्ति प्रमुख पुरी गोस्वामी महाराज जी के पास गया था पर उन्होंने मुझे दीक्षा देने में। अच्छा, तो भक्तिकुंज संत गोस्वामी महाराज वहां बड़े दीनता देखते हैं, अरे तुम्हारा कल्याण हो सकता है तो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो है भक्ति प्रमुख पुरी गोस्वामी महाराज। क्योंकि बोल रहे हैं पूज्य पाठ भक्तिकुंज संत गोस्वामी महाराज, क्योंकि मैं भी घर छोड़ा और मठ में आके प्रभुपाद के चरण में आके आश्रित हुआ, वो किसकी कृपा है? बोले भक्ति कुमोद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की कृपा है। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज, इन दोनों ने ही उनको घर से लाए थे। तो किसी प्रकार वो फिर से उनको वहां भेज दी। तो वहां जब जाता है तो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज बोलते भाई मैं तो हरिनाम नहीं दूंगा, तुम उनके पास चले। फिर वो उनके पास आते, फिर वो उनके भेज देते, फिर उनके पास आते, फिर इनको, फिर ऐसे करके 4 साल तक वो घूमा थी ऐसे करके। फिर जाके एक उत्सव में भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बोले कि आप उनको दीक्षा क्यों नहीं देते? तब उनके कहने पर ही पूज्यपाद भक्ति गुरु संत गोस्वामी महाराज ने उसको दीक्षा दिया। किस प्रकार का उन्होंने दूरदर्शिता थे, किस प्रकार का उन्होंने प्रभुपाद का किस प्रकार का सेवा किया, किस किस प्रकार का पूरा जी जान लगा के किस प्रकार का प्रभुपाद का सेवा किया करते थे उनके समय पे। एक सुबह तो हम जैसे जानते हैं मठ में रहते हैं विशेष रूप में जब एक ही सेवा करते हैं, लेकिन उनका जो विचार है सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते ही पूरा सेवा में लगे रहते हैं रात भर, पूरा दिन भर, पूरा रात के 12 बजे तक सेवा में। वैष्णव का प्रसाद को, वैष्णव का उचिष्ट, वैष्णव का जो ये है प्लेट को धोना, बर्तन धोना, किचन साफ करना, नाट्य मंदिर साफ करना, सबके सब सेवा किया करते थे। और उस समय का सबसे बड़ी बात है कि उस समय इस प्रकार का टॉयलेट सिस्टम नहीं था। तो बोलते हैं कि किस प्रकार माथे में जो ये रहता है ना मटका, तो उसको मस्तक पे लेके सुबह सुबह मतलब 2 बजे उठ जाते हैं, उसको एक बार लेना नहीं पड़ता था, वो बहुत दूर था प्रभुपाद के समय पे, उसको वहां पे लेके दूर दूर तक जाके फेंक के आते थे और दूर दूर तक। तो इसीलिए आज उनका ये इतना मतलब इस प्रकार का निष्कपट भाव में सेवा है। अंतिम बात है, आज उनका शुभ तिरोभाव तिथि है। देखो हमारे जो ये आचार्य है ना, इन्होंने कम से कम 4-5 साल तक शायद आईसीयू में जैसे पूरा अतुष्ट लीला प्रकाशित किया। तो एक समय का बात है कि इन्होंने जब अतुष्ट लीला कुछ बोलते नहीं थे, पूरा बेड में बस लेटे ही रहते थे शायद बहुत सारे 8-10 साल तक, 8-10 साल तक उन्होंने बेड में बस लेटे ही रहे, कुछ किसी से बात नहीं करे, कुछ किसी से बोले ही नहीं। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव में 2 ऐसे आचार्य हुए, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और भक्ति कुंज संत गोस्वामी महाराज। बोलते हैं ये बहुत देर तक समाधि लीला में, नित्य लीला में प्रविष्ट रहते थे। तब जब भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने ऐसे पूरा बहुत साल तक शय्याशायी रहे, तब एक बार उनको भक्ति कुंज संत गोस्वामी महाराज जी ने उनको देखने के लिए आए और प्रणाम किए और बातचीत करने के लिए कोशिश किए, लेकिन कुछ भी बताया नहीं उन्होंने, कुछ भी बताया नहीं। तब जब ये जा रहे थे तब भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज आंख बंद करके बोलते हैं कि इनको प्रसाद दे दो और तुमने कुछ ग्रंथ आर्टिकल लिखा है तो मेरे हाथ में दे। 2 चीज बताया, इनको प्रसाद दे दो और ये अगर कुछ आर्टिकल लिखा है, कुछ अगर पत्रिका लिखा है तो इसको मेरे हाथ में दे दो। तो नित्य धाम में भी जो वो जो मूर्छित रहते हैं बद्ध जी क्या सोचते हैं कि गुरुदेव तो कुछ जान नहीं पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वो वास्तव में सब कुछ जानते हैं नित्य धाम में। वो नित्य लीला में क्या करते हैं, नित्य धाम में राधा कृष्ण का विशेष रूप में सेवा करते हैं। तो उसी प्रकार का ये उदाहरण जिस तरह भक्ति कुंज संत गोस्वामी महाराज जी ने 8-10 साल तक पूरा का पूरा बेड में रहे, तो उन्होंने दो बार बताया। एक बार तो उनके कोई शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप अगर एक बार बोल दोगे कि
हमारे कलकत्ता में एक जगह है, उस जगह का कुछ डिस्प्यूट है। आप अगर एक बार अगर सिग्नेचर कर दोगे और मिथ्या कथा एक बार अगर झूठ बोल दोगे, एक झूठ से ही कोर्ट में क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा जगह और जगह हमारे नाम पे हो जाएगा। तो ऐसा बहुत बार बोलने के बाद महाराज जी ने एक बार तुरंत झट करके बोलते हैं कि ये जो बोल रहा है मुझे, इसको यहाँ से दूर लेके भाग जाओ। और महाप्रभु अगर नहीं चाहते हैं कि महाप्रभु ये सारे चीज दिए हैं, महाप्रभु अगर नहीं चाहते ये जगह बने यहाँ पे कुछ प्रभुपाद का और विचारधारा के लिए कोई मठ बने, तो मैं कौन होता। अगर महाप्रभु स्वयं चाहते थे तो ये अपने आप मिल जाता, इसको कोई प्रयास करने के लिए आवश्यक नहीं होता। इसीलिए मैं एक तो मिथ्या कथा बोलते पार बना उनके बारे में। अंतिम में बोले हमें एक तो मिथ्या कथा बोलते बोलो, मैं एक भी झूठ नहीं बोल सकता महाप्रभु के वाणी के प्रचार के लिए, मैं एक भी झूठ नहीं बोल सकता। इन्होंने एक बार मुंह खोला और दूसरे बार उनकी किसी शिष्य ने पूछा कि महाराज जी आपका इतना बड़ा संस्थान है, आप किसी को आचार्य पद में नियुक्त करके चले जाओ, आप किसको ये इतना बड़ा जो संस्थान बनाया है, किसी को बोल दो कि ये आचार्य होगा, कम से कम आप इशारा कर दो। तो महाराज जी इशारा क्या करेंगे, मुंह खोल के महाराज जी को रहता है ना, जैसे यहाँ पे था तो वहां पे एक ये था क्या, जो स्लाइम जो देते ना, तो उसका खाली बोतल था, उसको बोतल ऐसे उठाया फेंके, उसके ऊपर और बोलते हैं आमी हमारे जीवन में कई गुरुत्व देखते पार्चना, कि मैं अपने जीवन में किसी के ऊपर गुरुत्व देख नहीं पा रहा हूँ, मैं सबको लघुत्व की दृष्टि में ही देख रहा हूँ। अभी ऐसा मेरे दृष्टि में कौन नहीं है जो गुरु बन सके, मैं ऐसा कोई देख नहीं पा रहा हूँ। और जो गुरुदेव होते हैं वो स्वयं प्रकाशित वस्तु है। तो वहां पे उनके शिष्य ने बोला कि महाराज जी इतने बड़े संस्थान भेंगे जावे, तो इतना बड़ा संस्थान है और टूट जाएगा, तो वहां पे बोले टूट जाने दो, क्योंकि अवश्य रखी हुए कृष्ण विश्वास में अमर, अवश्य महाप्रभु इस संस्थान को रक्षा करेंगे, ये विश्वास मेरे दृढ़ है। कैसे कैसे सिद्धांत, कैसे कैसे विचार देते, ये विश्वास मेरा दृढ़ है, इसको अगर टूट जाना है तो टूट जाने दो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार का जो अंतिम समय में जो हम लोग सोच जाते ना बद्ध जीव कि महाराज जी तो लेटे हुए हैं, कुछ उनको ज्ञान नहीं है, तो अंतिम समय में भी उन्होंने विशेष दो बार मुंह खोला था और दो बार ही उन्होंने सिद्धांत का, बड़े सुंदर सिद्धांत का स्थापन किया। एक स्थापन किया कि किस प्रकार आचार्य स्वयं प्रकाशित है, और दूसरा महाप्रभु के वाणी के लिए हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसी आज उनका शुभ तिरुभाव तिथि है, वो नित्य धाम से हमको कृपा करे और हम सब आज एकत्रित हो गए, कुछ ना कुछ उनके वाणी के और विचार को यहाँ पे ग्रहण करने की कोशिश करें, कम से कम हम ये विचार को ग्रहण करें। जैसे हमारे जनार्दन प्रभु बोल रहे थे कि मठ में कई चीज पड़ा इधर उधर रह जाता है, हम बस देखते जाते हैं। हमारे परमेश्वर प्रभु बोलते हैं कि एक बार वृंदावन रूप सनातन गोड़े मठ में कोई बंदर ने टट्टी कर दिया था, तो ग्रस्त लोग ऐसे जब जाते हैं और बाहर के लोग आते हैं तो ऐसे साइड करके चले जाते, तो पूज्य पाठ परमेश्वर प्रभु बोलते हैं कि ब्रह्मचारी का ठेका ले रखा है क्या, तुम्हारा गुरुदेव नहीं है क्या, तुम्हारे गुरुदेव के प्रति तुम्हारे क्या भावनाएं, सब पता चलेगा जब तुम इसको साफ कर दो। ब्रह्मचारी ठेका ले रखे हैं क्या, ब्रह्मचारी अगर नहीं किया तो तुम लोग भी नहीं करोगे, तो ऐसे बताते हैं किस प्रकार, क्योंकि गुरुदेव के मठ में, गुरुदेव का वस्तु है, गुरुदेव के मठ में हमको प्रीति होना चाहिए। तो इसमें एक शिक्षा तो हमको ग्रहण करना चाहिए कि हमको किस थोड़ी सी ना थोड़ी सी रूप में मठ में कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। और दूसरा बात है कि महाप्रभु के वाणी के लिए जो इन्होंने कभी भी मिथ्या नहीं बताया, तो हमको यथासंभव चेष्टा करना चाहिए ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम इनके विचार को हम यहाँ आज आए हैं, एक महापुरुष का तिथि है, कम से कम एक विचार को अगर हमने उनके विचार को हृदय में धारण कर लिया और संकल्प कर लिया, आप कर नहीं रहे संकल्प कर लिया, तब भी आज का जो तिथि का मनाना का सफल मंडित होगा। तो यही उनके चरणों में बाजने का पुष्पांजलि देते हुए लक्ष्मी भक्ति कुमार के संत गोस्वामी महाराज की। आप कुछ बोलेंगे, बोलो आज ओम अज्ञान विनिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियतमे
श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम में सर्वप्रथम अपने हृदय में तिलका प्रविष्ट हूँ विष्णु पाद स्तुति श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। तत्पश्चात शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण एवं वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। आज की तिथि बहुत मंगलमय है और प्रभु जी ने समस्त विषयों को स्पर्श करते हुए सारा वृतांत कहा बहुत सुंदर तरीके से। ये संत शिरोमणि पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाग तिथि आज। इनके पिताजी भी महान संत मान आज धर्मार्थी धर्मपरायण श्री वैकुंठनाथ और माता रत्ना देवी को अंगीकार करते हुए ये श्री नारायणगढ़ जिला में नारमा गांव में ये उपस्थित हुए और उनके और भी पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे। शुरू से ही बचपन से ही इनका भगवान के प्रति पूर्ण प्रीति थी। यहाँ भौतिक विद्या में इनका मन नहीं लगता था, खेल करते तो उसमें भी ये गीली मिट्टी से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बना करके और पुष्प चयन करते, फल चयन करते, माला बना करके और भगवान को अर्पित करते, भोग लगाते और समस्त बच्चों में वितरित करते, इनका ये खेल था। समय बीता, एक बार इनके घर पर कुछ आचार्य लोग आए, प्रभुपाद जी के आश्रित लोग आए, सन्यासी ब्रह्मचारीगण। तो उन्होंने यहां पर आकर के सुंदर कथा कीर्तन किया और इस बच्चे ने उनकी सेवा की। बच्चे से बड़ा ही आकर्षित हुए और कहा, हे प्रभु जी, इस बच्चे को तो आप हमें दे दीजिए, हम इनको अपने मठ में रखेंगे। तो उन्होंने इनको आमंत्रित किया कि आप आए और मायापुर में प्रभुपाद जी का दर्शन करें। तो वैकुंठनाथ जी वहां पर गए और मायापुर में ठाकुर जी का दर्शन किया। मायापुर का दर्शन करके मठ का पूरा सुंदर जो दर्शन और वहां की सुंदर कृतियां देख करके बड़े आकर्षित हुए और इनको वहां पर कुछ दिन रहने का अवसर मिला। पूरा आनंदित होकर के घर गए, घर जाकर के बतलाया और इनके पूर्वजों ने ठाकुर जी का एक सुंदर मंदिर निर्माण करवाया हुआ था। श्री राधा किशोर जी का वहां मंदिर था, उसमें ये सुंदर तरीके से सेवा करवाते थे और एक वहां पर इन्होंने पुजारी भी रखा था। उसके उपरांत ये वहां पर जब गए मायापुर में तो इनका मन मायापुर में ही रह गया और अपनी धर्मपत्नी को इन्होंने कहा कि तुम जाकर के उधर एक बार बच्चे को लेकर के जाना। और ये जो राधा, इनका एक गोपाल जी भी है उस मंदिर में ही, इनकी दादी भी बड़ी धर्मात्मी थी। दादी एक बार गया काशी और वृंदावन इत्यादि इन सब तीर्थ स्थलों में गई तो ये रोते रोते कहने लगा मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, तेरे लिए जो तू कहेगी कहेगा वो मैं लेकर आऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे लिए वृंदावन से गोपाल लेकर आना। तो दादी इनके लिए गोपाल लेकर आई और गोपाल का आज भी वहां पर सेवा हो रही है इनके ग्राम में। तो ये अपनी मैया के साथ मायापुर गए, प्रभुपाद जी के पास जाकर के उन्होंने सेवा अंगीकार किया, सेवा किया। तो प्रभुपाद जी बड़े हर्षित हुए और इनको अपने पास रखा और इनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की कलकत्ता में। अब ये बच्चे धीरे धीरे सेवा भी कर रहे हैं मठ में और पढ़ाई भी कर रहे हैं। दसवीं करने के उपरांत इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल ना लगा और इन्होंने हरिनाम दीक्षा इत्यादि लेकर के वहीं पर प्रभुपाद जी के चरणों में पूर्ण तरीके से सेवा करने लगे। समय बढ़ा तो इतने मेधावी कि इनका
जो कुछ प्रभुपाद जी श्लोक इत्यादि याद करने को कहते बड़े जल्दी याद कर लेते। एक बार की बात है कि जैसे हम अंतराक्षरी खेलते हैं, इसी प्रकार से श्लोक की अंतराक्षरी खेली गई। उसमें बड़े बड़े आचार्य भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और बी आदि महाराज, अन्य बहुत सारे ब्रह्मचारी वो अंतराक्षरी खेल रहे हैं, और उसमें जीते कौन, इनका घर का नाम था राधा रमन, और राधा रमन ब्रह्मचारी जीते उसमें। तो राधा रमन ब्रह्मचारी को देख कर कृपा जी बड़े पसंद कि देखो इनसे बड़े बड़े सन्यासी ये भी जो है अंतराक्षरी में हार गए, श्लोकों की अंतराक्षरी हुई थी। ऐसे ही समय बीतता गया, सेवा करने के लिए इनकी उत्कंठा इतनी रहती थी कि ठाकुर जी की हमेशा कहीं ना कहीं प्रदर्शनी लगाने की भी इनकी इच्छा रहती थी। शिक्षा प्रदर्शनी, वहां पर पुस्तकों को ले जाकर प्रदर्शनी लगाते, जो लोग भी बाहर से आते उनको समझाते बड़े प्रेम पूर्वक। और भी दो तीन इनके साथ ब्रह्मचारी थे, हरि कृष्णा ब्रह्मचारी और एक निताई ब्रह्मचारी। तो भीड़ जब इकट्ठी होती उन्हें ये तीनों समझाते। एक बार प्रभुपाद जी ने छिप करके देखा कि देखें कि ये क्या क्या कहते हैं, तो सुन करके आ गए। और अगले दिन मठ में बताया कि जो हरे कृष्ण ब्रह्मचारी है ये इसके अंदर अहंकार है और ये गुरुगिरी करता है और निश्चित तौर से मठ को छोड़ के जाएगा और गुरुगिरी करेगा, और जो निताई है ये इसके अंदर जो है संसारी बातों को करने में आनंद आता है, ये संसार में जाएगा, गृहस्थ बन जाएगा, और ये जो राधा रमन है इसका हृदय इतना निर्मल है, ये बड़ी प्रीति भावना से लोगों को समझाता है, और इसको इतने सुंदर सुसिद्धांत भी मालूम है किस प्रकार से इसको क्या परिवेशन करना है, तो ये निश्चित तौर से मठवासी होगा। और ये हुआ, ये राधा रमन जी आगे चल के महान संत हुए। और एक बार की बात है, इनको प्रभुपाद जी ने रंगून भेजा कि तुम लोग रंगून जाओ, वहां से चीन बर्मा होते हुए सब जगह प्रचार करते हुए वापस आना। इनका टिकट कराया तीनों का और अन्य महाराज लोगों का, उनका नाम मुझे याद नहीं, साथ में राधा रमन ब्रह्मचारी जी के थे। तो उस टिकट को जब बनवाया और शाम को इनको प्रणाम करने के लिए जब ये गए कि महाराज कल सुबह में जाना है, तो महाराज ने कहा कल कोई नहीं जाएगा तुम तीनों में से। प्रभुपाद जी अंतर्यामी कैसे हैं वो बता रहे हैं। तो बोलते क्यों, इतनी सब तैयारी चल रही थी, महीनों से हम तैयार हो रहे थे और आपने कम मना कर दिया। तो अगले दिन शाम को आकर के कमरे में जैसे ही प्रणाम किया, कहा तुम यहां पर जाकर के रेडियो से अभी न्यूज सुनो। न्यूज में पता चला जिस जहाज से इन तीनों को जाना था वो जहाज डूब गया, कहा मैंने इसलिए तुम्हें रोका। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा की इन पर, और अगले दो चार दिन बाद इनको फिर से भेजा और अपनी जो प्रसादी माला इनको पहना करके कहा हे राधा रमन तुम अब जाकर प्रचार करो। राधा रमन और अन्य जितने थे सबने प्रणाम किया, हे प्रभुपाद आपने हमें मृत्यु के गाल से वापस खींच करके हमें फिर से जो है प्राण प्रदान किए, आप साक्षात हमारे लिए भगवान तुल्य हैं। और इस तरीके से उन्होंने जो भी प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान का जो दासता है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो नहीं, इससे पहले गुरु का दास होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि दोनों की कृपा बराबर है, कृष्ण जो कृपा करते हैं वही गुरु भी कृपा करके प्रदान कर सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो ये सारी बातें हैं इसमें, और ज्यादा समय ना लूंगा क्योंकि महाराज जी बोलेंगे समय बहुत ज्यादा है। धन्यवाद वांछा कंसुर के पास लक्ष्मी भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की। हाँ देखो आज ये महापुरुष का जन्मतिथि है। प्रभुपाद का जितने गण थे वो कोई साधारण नहीं थे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए वो अकेले नहीं आए, वो अपना पूरा परिकरों को और धाम को लेकर के आए। उसी तरह प्रभुपाद जब आए, प्रभुपाद कौन है, राधा रानी के नए नमन मजे। जब वो नित्य सेवा में गोलक वृंदावन में नियुक्त थे, स्वयं राधा रानी आदेश देती हैं प्रभुपाद को, बोले प्रभुपाद नयन मणि मंजरी जाओ, देखो जीवों को दुर्दशा को देखो, कैसे जीव भगवान से विमुख होकर के संसार में कैसे दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, जाओ तुम ये जीवों को उद्धार करो, लेकिन तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ। इसलिए प्रभुपाद भी पूरा अपना परिकरों को लेकर के आए और आकर के संपूर्ण पृथ्वी में
स्वयं तो प्रचार प्रसार किया ही और अपना सेवकों को देख करके भक्तों को देख करके सर्वत्र महाप्रभु का वाणियों को उन्होंने प्रचार किए, इसलिए आज उनकी कृपा से अभी हम भी थोड़ी बहुत भजन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ये महापुरुष बड़े दयालु थे, जब ये अंतिम समय था उनकी, जिस समय करते लास्ट में वो लेट रहे, कोई बात नहीं करते, तो मैं भी गया था महाराज को दर्शन करने के लिए, इसलिए मैंने गया था। मेरे जो गुरुदेव है, मैं अपना गुरु जी के पास में लास्ट समय में आया, अपना गुरु जी के पास में लास्ट समय में आया, इसलिए गुरुदेव का इतना मैं कथा नहीं जानता था। लेकिन जब मथुरा में रहता था, हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की कथा सुनाते थे, सुन सुन करके मेरा हृदय तो गदगद हो जाता था। बोलते थे ये जैसे अपना गुरु जी कथा सुनाते, मैं भी अपना गुरु जी की कथा ऐसे सुनाऊं, लेकिन ये गुरु जी कथा मेरे को मिलेगा कहाँ से, अभी कौन बोल सकता है। अभी मैंने देखा, अभी तो प्रभुपाद कोई गण रहे नहीं, सब तो चले गए सब के सब। और अंतिम समय में ये भक्ति कुंभ तो संत गोस्वामी महाराज थे अंतिम समय में, इसलिए मैंने उनको पास में गया, इनसे कुछ कथा गुरु जी कथा सुनूंगा, सुन करके फिर मैं अपना गुरु जी की कथा भी ऐसे सुनाऊंगा। इसलिए मैंने गया, महाराज को दर्शन किया, प्रणाम किया। लेकिन जब मैं था पूरी जगन्नाथपुरी में, एक समय वहाँ पर अपना गुरु जी की भी तिथि हुई थी, तिथि में भी ये महाराज जी आए थे और आ करके उन्होंने, ये महापुरुष आए थे और आ करके बड़े सुंदर वहाँ पर कथा सुनाए थे अपना शिष्यों को लेकर। जब मैं वहाँ पर आए तब मैंने महाराज को एक ही प्रश्न किया था, बोले महाराज जी भगवान की भजन कैसे हो गए, भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते। देखो महाराज ने क्या बात बताई, महाराज केवल एक ही बात बताई, बोले देखो एक ही काम करना, ये माया से बचकर रहना है। अब विशेष करके जो ब्रह्मचारी का जीवन है, कहते केवल ये लड़कियों से केवल अगर कुछ भी नहीं हो, केवल ब्रह्मचारी बनकर लड़कियों से केवल अगर बच करके रह जाओगे, बस किसी तरह से तुम्हारी एक जीवन वटमास बीतेगा, किसी तरह से भजन होगा। इसलिए अगर वहां कहीं फंस गया तो फिर भजन भजन तुम्हारी चौपट, ब्रह्मचारी का जीवन भक्ति भक्ति फिर तुम्हारी चौपट हो जाएगा। उन्होंने मेरे को ये बात को उन्होंने स्वयं बताया। इसलिए तब उन्होंने हमारे मंदिर में एक आते थे, एक उनका ब्रह्मचारी देखने में बड़े सुंदर है, वो ब्रह्मचारी बड़े प्यारे बड़े सुंदर के ब्रह्मचारी आते थे, वैसे आते थे तो, लेकिन उन्होंने कम उम्र में उनको संन्यास दिए हुए थे। तो किसी ने पूछा महाराज जी इतने कम उम्र में उनका संन्यास क्यों दे दिया। वो देखने में ब्रह्मचारी बड़े सुंदर था, एकदम गोरे रंग की बड़े सुंदर था ब्रह्मचारी। बोले अब इतने कम उम्र में इतना संन्यास क्यों दे दिया। बोले देखो अगर ये स्पेशली मैंने संन्यास दिया, अगर एक जीवन अगर ये सोचने लग जाए अभी मेरे को संन्यास मिल गया, अभी संन्यास मिल जाए तो क्या करनी चाहिए, किसी ना किसी तरह से एक जीवन गुरु वैष्णव का सेवा करते हुए जीवन को बिता दे। अगर ये सोच करके अगर किसी तरह से एक जीवन भी वो मंदिर में बांस में बिता दिया तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ये देखने में बड़े सुंदर है, कहीं माया में ये फंस सकता है, इसलिए मैंने जानबूझकर जल्दी जल्दी उसको संन्यास दे दिया। इसको ये भावना आ जाए भैया अभी संन्यासी हो गया, अभी तो हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, अभी तो हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए किसी तरह से एक जीवन अगर गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए इनका जीवन बीत जाए तो इनका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मैं जब मथुरा में था, मथुरा में था तो वहाँ पर भी ये आए थे भक्ति कुंभ मंदिर संत गोस्वामी महाराज और आए थे। क्या लंबा चौड़ा उनका जो पगड़ी है ना, आप देखो पगड़ी बहुत बड़ी पगड़ी बांधते थे और देखने में बड़े सुपुरुष थे, एकदम गौरव भरने के थे, लंबे चौड़े और क्या भक्ति था। बावरे बंगला भाषा में जो भक्ति थे ना, क्या दूसरे मतवाद को ऐसे खंडन मनन करते थे, मायावाद अपसंप्रदाय को ऐसे काट काट कुट कर छिन्न भिन्न करते थे, एकदम स्पष्ट वक्ता थे, बड़े अच्छे वक्ता थे। और गला इनकी जब ये भजन गाते थे ना, जैसे कोयल जैसे कूकती है, इनकी भजन कभी आप सुन सकते हैं इनकी भजन में, बंगला भजन बड़े सुंदर बंगला भजन, भजन गाते थे भजन बनाते थे हैं। इनका जो भजन है प्रेम रे ठाकुर नहीं, उनका भजन है क्या मैं कहना जे कोथा छिला नहीं, यो नहीं और एक भजन है हैं इनका बहुत सुंदर, हाँ गुरुदेव दयामय, इनका एक एक और यह भजन है, एक महाप्रभु का ऊपर में बड़े सुंदर भजन, स्वयं ये भजन लिखते थे और क्या गाते थे, सुंदर भजन गाते थे। इसलिए इन्होंने सारा जीवन प्रभुपाद की सेवा करते करते एकदम निष्ठापूर्वक सेवा करते करते उन्होंने अपना जीवन को बिताया। और बड़े कठोर शासक थे, बोल रहे थे ना ब्रह्मचारी अगर कहीं किसी ने आचार दे दिया तो, भले आचार किसने दिया,
ब्रह्मचारी को आचार नहीं खानी चाहिए, हैं? ब्रह्मचारी को आचार नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसको खाने से शरीर में हैं संसार की वासना, उसका आचार को फेंक दे, आचार को ब्रह्मचारी को मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट थे, हैं? कैसे अपना भक्तिमय जीवन बिताने चाहिए, बड़े स्ट्रिक्ट थे, इसलिए इनकी बहुत सारी कथा है, इसलिए आज टाइम हो गया हम लोग को दूर जाना है, इसलिए आज इनकी त्रिभाव तिथि है, वो महाप्रभु का परिकर है, प्रभुपाद का परिकर, वो हम सब को परम आशीर्वाद करे, कृपा करे, जैसे उन्होंने एकनिष्ठ होकर के प्रभुपाद की सेवा करते करते, गुरु वैष्णव की सेवा करते करते अपना जीवन बिताए, हम भी उनकी राह पर चल करके ये जीवन को धन्य कर सके, वो हम सब को परम आशीर्वाद है। बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे Yeah.